आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के सामने रखी चुनौती, भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य किया तय। डॉक्टर्स ने दिया ममता बनर्जी को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मांगे माफी। शिवराज सिंह बढ़ाएंगे बीजेपी के सदस्य, मिस कॉल के बाद कार्यकर्ता का भौतिक परीक्षण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिले प्रधानमंत्री मोदी से, छत्तीसगढ़ के कई मसलों के लिए मांगा सहयोग। और किसान कांग्रेस की बैठक में छलका, कांग्रेस नेताओं का दर्द, कांग्रेस में सिर्फ स्थापित और विस्थापित नेता। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग की 5वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने के लिए नीति आयोग की अहम भूमिका है। आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। पीएम ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भले ही है लेकिन इसे राज्य सरकारों की मेहनत से हासिल किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता पहचाननी होगी और GDP टारगेट बढ़ाने पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लागू करने में नीति आयोग को अहम रोल अदा करना होगा। आय और रोजगार बढ़ाने के साधनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र नौकरियां देने और कमाई बढ़ाने के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम उस गवर्नेंस सिस्टम की ओर जा रहे हैं जिसकी विशेषता परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी है। पीएम मोदी ने कहा कि योजनाओं का धरातल पर सही रूप में उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों से अपील करते हैं कि वे एक ऐसी सरकारी व्यवस्था तैयार करें जो काम करता हो और जिसे लोगों का विश्वास हासिल हो। पीएम ने कहा कि इस बार गठित किया गया जल शक्ति मंत्रालय पानी के इस्तेमाल का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेगा। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे भी जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़ी कई कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपलब्ध पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी पहुंचाया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सल हिंसा के खिलाफ जंग निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब कड़ाई से दिया जाएगा। कोलकाता में NRS अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट के बाद बंगाल से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल ने नया मोड़ ले लिया है। हड़ताली डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी से मिलने से इनकार करते हुए माफी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि हम ममता सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि वो हड़ताली डॉक्टरों की मांग पूरी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताली डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अब मिलना ही नहीं चाहते हैं। डॉक्टर्स ममता सरकार की गलत नीतियों से खासे खफा हैं। हड़ताली डॉक्टरों को चेतावनी देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर डॉक्टरों को मनाने की कोशिश की, मगर वे हड़ताल पर अडिग हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के सामने माफी मांगने समेत 6 शर्तें रखी हैं। अस्पतालों में सुरक्षा की मांग पर आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर को बाहरी कहने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद ही इस बात का अंदाजा था कि इसमें उनके कुछ अपने लोग भी शामिल हैं। ममता के भाई कार्तिक के बेटे आवेश भी इन्हीं में से एक हैं। वहीं ममता के बेहद करीबी माने जाने वाले राज्य के शहरी विकास मंत्री एवं कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की बेटी शाब्बा हकीम पहले ही जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आवाज बुलंद कर चुकी हैं। आवेश भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। आवेश
जो एक मेडिकल छात्र और केपीसी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जावतपुर स्थित केपीसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक निकाली गई रैली में शामिल हुए थे। उन्होंने हाथों में एक बैनर लिया हुआ था जिसमें लिखा था, आप कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव क्यों हो रहे हैं, डॉक्टर के खिलाफ हिंसा बंद कीजिए। ममता के खिलाफ बंगाल में ही करीब 700 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। कुछ राज्यों में काली पट्टी बांधी तो कुछ में विरोध स्वरूप हेलमेट पहनकर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी बनाए जाने पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को जीत दिलाई है। सदस्यता अभियान पर शिवराज ने कहा कि मिस कॉल के बाद कार्यकर्ता का भौतिक परीक्षण भी किया जाएगा। 11 करोड़ कार्यकर्ता की बाद अब इसमें 20% और कार्यकर्ता जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी बनाए जाने पर शिवराज का स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में शिवराज ने जहां एक तरफ पीएम मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की, वहीं अमित शाह का आभार व्यक्त किया। शिवराज ने गृह मंत्री अमित शाह के अनुमानों को सही ठहराते हुए कहा कि 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्य की विस्तार की जवाबदारी मुझे सौंपी है। अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश भर के उस दायित्व का निर्वाह पूरे समर्पण परिश्रम करेंगे। शिवराज ने कहा कि पार्टी में 20% सदस्यों को और जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिवराज ने कहा कार्यकर्ता के मिस कॉल के बाद उनका भौतिक परीक्षण भी किया जाएगा। 6 जुलाई से एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोला गया और अवैध उत्खनन बढ़ गया है, लेकिन सरकार ट्रांसफर में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासियों और 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हित को ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की है। इससे राज्य में अतिरिक्त धान का उपार्जन हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हित को देखते हुए सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकता है। अतिरिक्त चावल को केंद्रीय पुल में लेने की स्वीकृति प्रदान करें। राज्य के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने की योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इसके लिए केंद्र सरकार को 100% अनुदान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 100% विद्युतीकरण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं, उसी प्रकार हर घर में पेयजल की व्यवस्था के लिए भी प्रयासों की जरूरत है। मुलाकात के दौरान वन अधिकारियों की मान्यता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रस्तावित संशोधनों में अनेक खामियां हैं, जिससे वन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के हित का संरक्षण नहीं किया गया है। उन्होंने इसमें संशोधन पर जोर दिया है। मुलाकात के दौरान उन्होंने आग्रह किया कि शासकीय उपक्रमों हेतु आवंटित खदानों में 100 रुपए प्रति टन के स्थान पर 500 रुपए प्रति टन प्रीमियम दिया जाए तथा छत्तीसगढ़ राज्य को उत्पादित विद्युत का हिस्सा भी दिया जाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। भोपाल में किसान कांग्रेस की बैठक में नेताओं का दर्द जुबान पर चलाया और उन्होंने अपने नेतृत्व को जमकर कोसा और कहा हमारे यहाँ दो किस्म के नेता हैं, एक स्थापित तो दूसरे विस्थापित, और यही कांग्रेस की समस्या है। किसान कांग्रेस की बैठक में नेताओं का दर्द छलकने लगा है। रीवा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र पाठक ने नेतृत्व पर सवाल उठाया और कहा हम हारने वाले नेताओं को ही बार बार टिकट क्यों देते हैं। पाठक ने कहा टिकट बांटते समय हमसे पूछा क्यों नहीं जाता, फिर जो कैंडिडेट होता है वो किसी की भी नहीं सुनता। उन्होंने कांग्रेस की समस्या बताते हुए कहा कि कांग्रेस में दो ही किस्म के नेता है, एक स्थापित और दूसरे विस्थापित। तो हमारी कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव जब पूरे होते हैं, समय जब चुनाव चल रहे होते हैं,
जो कैंडिडेट होता है वो भी किसी किसान कांग्रेस के ब्लॉक से लेके जिला तक के आदमी को पूछता नहीं। अब समीक्षा में हम बैठे, हमारे बघेल खंड में एक कहावत है, आप सबके समझ में नहीं आएगी, कहीं फुलौली माला खाए अम्यूसल लिहे बली अदमा। और ये जो मलाई खाने बाद कांग्रेस में दो बात हो गई है, एक स्थापित नेता और एक विस्थापित नेता। जैसे हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो जो आरक्षित क्लास का डब्बा होता है, जब उसमें भीड़ बढ़ने लगती है तो मैं कहता हूं कि आगे वाला चले जाओ, वहां खाली हो। हम नहीं चाहते कि हमारी सुविधा में कोई खलल पड़े। और इसी तरीके से हम कांग्रेस के अंदर हो गया, यहाँ स्थापित लोगों का एक समूह हो गया, वो विस्थापित लोगों से यहाँ तक नहीं पहुंचने देगा। सभी नेताओं ने कहा कि हम कब तक विधवा विलाप करते रहेंगे, अब संगठन में परिवर्तन की जरूरत है। प्रदेश में बार बार हो रही बिजली गुल पर भी नेताओं ने सवाल उठाया, आखिर भरपूर बिजली है तो फिर बिजली क्यों गुल हो रही है। बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि राजा महाराजा की पार्टी बन गई है कांग्रेस। इस दौरान किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर मौजूद रहे, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, कृषि मंत्री सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4 महीने में जितना काम किया है शायद किसी भी सरकार ने इतना काम किया हो, महीने के कार्यकाल में भी नहीं। कांग्रेस का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, एक बेहतर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखिए, आपने मेरा उद्बोधन सुना होगा और मैंने अपने उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस मंशा का मैंने जिक्र किया है। आज हमारे जो किसान साथी हमारे जो मंडियों में आते हैं उन मंडियों में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हमारी सरकार ने ये तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारी जितनी भी मंडियाँ हैं उन मंडियों को हम लोग मॉडर्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। और ना सिर्फ वहाँ पर किसानों की उपज को खरीदा जाएगा बल्कि वहाँ पर ग्रेडिंग की फैसिलिटी हो, शॉर्टेज की फैसिलिटी हो, तमाम जो है फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज वहाँ पर हमारे किसान साथियों को उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी जो है आने वाले दिनों में हम मंडियों में करने जा रहे हैं। 6 महीने हो गए 17 तारीख को, पूरे प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने जो 6 महीने किया है, 6 महीने में हमको मिले हैं कुल 2.5 महीने 75 दिन पहले और 10-12 दिन अभी। 6 महीने का काम हमने 2.5 महीने में निपटा दिया और वचन पत्र जो सबसे बड़ी बात थी किसानों का कर्जा माफ करने की, 1 घंटे के अंदर प्रक्रिया चालू की मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद। और चुनाव के पहले 21 लाख किसानों को कर्ज माफी हो गई, उनको पत्र देने का ऋण माफी का। लंबे समय तक भट्टी की तरह तपे भोपाल के लोगों के लिए शनिवार का दिन भी राहत भरा रहा। दूसरे दिन भी भोपाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई जिससे लोगों को उमस और तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को भोपाल में प्री मानसून की पहली बारिश हुई और करीब 1 घंटे में 30.4 मिलीमीटर पानी गिरा, इससे शहर तरबतर हो गया। बौछारों के कारण दोपहर में 3 घंटे में अधिकतम तापमान 7.8 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। सुबह 11:30 पर अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि दोपहर 2:30 पर लुढ़क कर 28.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जून माह में गर्मी के नए कीर्तिमान बने हैं। जून के 12 दिन शहर में लू चलती रही, इससे लोग भीषण गर्मी से बेहाल हो गए थे। शनिवार को सुबह से ही आसमान में तेज धूप थी लेकिन फिर बादल बने और वातावरण में उमस बढ़ गई, इससे लोग पसीने में लथपथ होते रहे। लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम का बदला और घने बादल छा गए, हवा के साथ तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक शहर तरबतर होता रहा, इससे वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों ने खासी राहत महसूस की। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी उदय सरवटे ने बताया कि वायु तूफान के कारण बड़े पैमाने पर नमी आ रही है, इससे राजधानी सहित पूरे प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ी है। शुक्रवार को शहर में प्री मानसून एक्टिविटी के तहत पहली अच्छी बरसात हुई। अब इस तरह की बौछारें पड़ने का सिलसिला मानसून के सक्रिय होने तक जारी रहने का आसार है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंड रिजर्व पुलिस लाइन में नव आरक्षक पिंकी भदौरिया ने पथराव कर दिया है और सूबेदार इंद्रपाल सिंह से अभद्रता की है। नव आरक्षक की शिकायत एएसपी संजीव कंचन और डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश दुबे के पास भी पहुंची। शिकायत के बाद नव आरक्षक को एएसपी कार्यालय बुलाया गया, लेकिन उसका व्यवहार यहां भी ठीक नहीं रहा। इसके बाद सूबेदार ने शहर कोतवाली में नव आरक्षक भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नव आरक्षक के खिलाफ अब विभागीय जांच भी की जाएगी। एएसपी कंचन ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन से बल मांगा था। सूबेदार इंद्रपाल सिंह ने बल की लिस्ट तैयार की, इसमें नव आरक्षक पिंकी भदौरिया को शामिल किया। सूबेदार ने सभी को 12 बजे रक्षित निरीक्षक कार्यालय में आने के लिए कहा था। पिंकी भदौरिया तय समय पर नहीं पहुंचे, इससे सूबेदार ने रोजनामचे में उनकी गैरहाजिरी डाल दी। यह पता चलते ही भदौरिया ने सूबेदार से अभद्रता शुरू कर दी, रक्षित निरीक्षक के कार्यालय पर पथराव कर दिया। सूबेदार ने पथराव से बचने के लिए रक्षित निरीक्षक कार्यालय के गेट बंद करवाए। सूबेदार का कहना है कि नव आरक्षक पिछले 4 साल से भिंड में पदस्थ है, 4 बार पीटीएस में भी वापस आ चुका है। दोपहर में नव आरक्षक पिंकी भदौरिया ने पथराव किया और अभद्रता की, तो सूबेदार ने शहर कोतवाली में उसके खिलाफ एफआईआर करा दी। नव आरक्षक को मालूम हुआ कि उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, तो उसने देर शाम फिर से आरक्षित निरीक्षक कार्यालय पर पथराव कर दिया। यह शिकायत शुक्रवार को देर शाम सूबेदार इंद्रपाल सिंह ने एएसपी संजीव कंचन से की। एएसपी ने कहा कि नव आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी। भोपाल नव नियुक्त कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने सीहोर नाका स्थित बड़ा तालाब का निरीक्षण कर तालाब गहरीकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि मानसून शुरू होने से पहले तालाब गहरीकरण का कार्य पूर्ण किया जाए। संत हिरदाराम नगर में भोपाल नव नियुक्त कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने सीहोर नाका स्थित बड़े तालाब का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को तालाब गहरीकरण को लेकर आदेश दिए और कहा कि मानसून आने से पहले तालाब का गहरीकरण किया जाए। कलेक्टर ने झील संरक्षण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारियों को भी गहरीकरण करने के निर्देश दिए हैं। गहरीकरण से तालाब में पानी लंबे समय तक रोका जा सकेगा। तालाब गहरीकरण के साथ साथ तालाब को सुंदर बनाने की बात भी कलेक्टर ने कही। और अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इसमें थोड़ा सा गहरीकरण कराएंगे, तो जो गहरीकरण होगा उतना ही पानी इसमें एक्स्ट्रा लगेगा और वही पानी हमारे ज़मीन को आगे चल के थोड़ा और पानी देगा। तो वही पानी है कि अब इसमें हम कल से एक अभियान चला रखे हैं, तो कल से इसको फिर से थोड़ा गहरीकरण होगा। लोग कार्य स्टार्ट भोपाल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में फसलों के सही दाम के लिए किसानों ने मिलकर अपनी खुद की कंपनी बनाई है। ये कंपनियां सही दाम में बड़ी कंपनियों को फसल एवं कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। यह कार्य लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है। भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में प्रदेश के सभी किसानों ने मिलकर अपनी खुद की 142 कंपनियां बनाई हैं। सही दाम पर ये कंपनियां बड़ी कंपनियों को अपनी फसल एवं कृषि उत्पाद बेच सकेंगी, जिससे उनको तुलनात्मक ज्यादा फायदा होगा। इसमें से 10 कंपनियों को मॉडल के तौर पर सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। कंपनियों को सही दाम और गुणवत्ता वाली खाद बीज और दवाई सही समय से दिया जाए। एसएफएसी की एमडी नीलकमल दरबारी ने बताया कि पिछले साल इसमें 10,000 लोग जुड़े हैं और 2,500 किसानों को फायदा मिला है। मंडी बोर्ड के एमडी अहमद किदवई ने बताया कि इसमें लघु एवं सीमांत किसान जुड़े हैं। इनके लिए राज्य स्तरीय नीति बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि 3 महीने में बनकर तैयार कर लिया जाएगा। खाद की भी होगी, किसी एजेंसी किसी ने ले ली या अन्य प्रकार के जो आपके केमिकल्स का प्रयोग होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह की एजेंसी ले ली, तो ये सब जो है वो ठीक है। अपने आप आए तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण कड़ी
रीवा के मऊगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान से लाखों का सामान चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। चोर कितने बेखौफ हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला रीवा के मऊगंज का है, जहां राज ज्वेलर्स नाम की दुकान में चोर दिन दहाड़े लाखों का माल ले उड़े। चोरी की गई माल की कीमत लगभग 4.5 लाख बताई जा रही है। दुकान मालिक बाबूलाल सोनी ने बताया कि चोरों ने दुकान में रखा सोने की चेन का पैकेट गोल कर दिया है, जिसमें लगभग 100 से 150 ग्राम सोना रखा हुआ था। चोरी की वारदात अंजाम देते ही दो बेखौफ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते देखे जा रहे हैं। फुटेज पुलिस को भी दे दिए गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक चोरों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने वाली 3 छात्राओं और 1 छात्र पर हमला कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। साथी छात्रा का मोबाइल नंबर न दिए जाने से नाराज युवक ने अपने 5 साथियों के साथ छात्रा पर लात घूसों से हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर 5 युवकों ने हमला कर दिया। घटना उस समय घटित हुई जब एक युवक ने छात्रा को फोन कर उसके साथी छात्रा का फोन नंबर देने को कहा, तो उसने फोन नंबर देने से मना कर दिया। नंबर न दिए जाने से नाराज युवक ने छात्रा को धमकाया और उसके बाद वह युवक साथियों के साथ कोचिंग सेंटर पर पहुंच गया और छात्रा को लात घूंसों से पीटने लगा। साथी को पीटते देख बचाव करने आई 2 अन्य छात्राओं और 1 छात्र को भी इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की घटना के बाद हमला करने वाले 5 युवक फरार हो गए। बोलने लगा मतलब बहुत गंदी गाली थी, तुम ज्यादा कर रही हो और कहीं ये हो फालतू पेड़ नहीं हो और तुम लोगों को जिंदा जला देंगे, कहाँ पे हो वहीं पे हम आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ कोचिंग के बाहर खड़े हो गए। तो कोचिंग के बाहर जैसे ही आए तो 4-5 बंदे थे, सारे फेस बंद कवर करे हुए थे और फेस कवर करके सारे लोगों ने मुझे इतना मारा, मारपीट की और कह रहे थे कि लास्ट में जब अगर थाने में रिपोर्ट की तो तुम लोगों को भी बाद में भी। अपना कोचिंग चलाते हैं हम लोग सक्सेस पॉइंट के नाम से छतरपुर में ही पटना इलाके पर। और क्या हुआ वहाँ पर कि कुछ हमारी बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, तो क्या एक गर्ल्स का मेरे पास कॉल आया कि सर कुछ लड़के मुझे गालियाँ दे रहे हैं कॉल करके। मैं पहुँचा उनके पास तो लोगों ने बताया कि लड़के का कॉल आ रहा है और गाली बकरा है, और तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड पसंद है और उसका नंबर दे दो। तो एक गर्ल्स ने हमारी विरोध किया कि तुम्हारे घर में क्या गर्ल्स नहीं है, क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है जो तुम दूसरों की बहन को पसंद करोगे। तो वो गाली देने लगा हमारी गर्ल्स को, बोले लगा कि तुम्हें हम जिंदा जला देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और उस गर्ल्स ने बोला ठीक है, हम लोग तो यहीं खड़े पन्ना नाके पे ही आ जाओ तुम। सिर्फ बबलू पटेल के नाम से था बंदा, बाहर के थे वो, नहीं मतलब छतरपुर रहते हैं वो, सटई रोड के बता रहे हैं। सब लोगों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्राएं और युवक अपने साथियों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। हंगामे के बाद पुलिस ने पीड़िती की शिकायत पर 2 नामजद आरोपी सहित 3 अन्य पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रीवा से लापता बच्चे का शव सेप्टिक टैंक में मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि खेलते समय बच्चा सेफ्टी टैंक में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एजी कॉलेज कॉलोनी से लापता बच्चे का शव सेफ्टी टैंक में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय ओम कोल अपनी दादी के साथ बकरियां चराने के लिए एजी कॉलेज कॉलोनी में गया हुआ था। शाम को वह लापता हो गया। बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने देर रात पुलिस को सूचना दी। बच्चे को ढूंढ रहे परिजनों को देर रात उसका शव एजी कॉलेज छात्रावास के समीप स्थित सेफ्टी टैंक में मिला। पुलिस ने घटनास्थल निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि खेलते समय बच्चा सेफ्टी टैंक में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत होने से पूरा परिवार सकते में है। ये 6 बजे के बाद है सर, ये 6 बजे के बाद मैं माता राम बोलती है 6 बजे, हमें 6 बजे के बाद हम काम में रहे, 8 बजे के बाद 8, 8:30, 9 के बीच में आए काम से, तो हम माता राम बकरी ले रही थी, तो यहाँ से निकाला है तो बकरी यहाँ रही, माता राम उधर रही थी 4-5 बकरी, तो बकरी रखता हुआ फिर इधर से निकलने लगा, तो माता राम बकरी ले चल दी इधर देखो। फिर उसके बाद माता राम बोली कहाँ जा रहे लाला, कैसा मार रहे हैं। फिर उसके बाद माता राम बकरी लेके चल दी, सोची माता राम बोले कहीं बड़ी खुलई होते रोड हो की कल गया,
फिर उसके बाद वो बोला अच्छा ठीक हो तो फिर चले घर हम अम्मा लाई की उर्फी उसकी दादी। फिर हम गए ना घर, फिर 8-9 बजे रात आने जैसे लड़कियन का आदमी 10-20 के खाते कमाते थे, 10-20 के आदमी लिया आवा थे लड़कियन, तो हमारे चार थे हमारे पास बालक माता राम नहीं है, खत्म हो चुकी। गाडरवारा में दलित महिला का दाह संस्कार करने के लिए जगह न मिलने पर परिजनों एवं समाज के लोगों ने शव को सड़क पर ही रखकर दाह संस्कार की तैयारी कर ली और चक्का जाम कर दिया। तब जाकर कहीं प्रशासन जागा और शासकीय जगह पर शव का अंतिम संस्कार कराया गया। गाडरवारा के साली चौका में दलित बुजुर्ग का दाह संस्कार करने के लिए परिजनों को जब जगह नहीं मिली तो भड़के परिजनों एवं समाज के लोगों ने शव को सड़क पर ही रखकर दाह संस्कार की तैयारी कर चक्का जाम कर दिया। सरकार भले ही वक्त है बदलाव का नारा देकर सत्ता पर काबिज हो गई हो पर कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते महिला का शव काफी देर तक अंतिम संस्कार के लिए पड़ा रहा। प्रशासन के लचर रवैये से परेशान होकर अंत में गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर ही रख दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर गाडरवारा एसडीएम राजेश शाह एवं एसडीओपी सीता राम यादव पहुंचे और परिजनों को समझाकर शासकीय जगह पर शव का अंतिम संस्कार कराया। जहां पर सरकार दलितों के लिए लाखों दावे और वादे कर रही हो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। सर 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं लॉस को रखे हुए और जहां ले जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं किसान लोग कि हमारी जगह में नहीं जलाने देंगे, जहां तुमको दिखा है वहां जलाओ, ये सरकारी जमीन थोड़ी ना है। हम सर रखे हुए हैं अर्थी को और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन दे हमको, 24 घंटा से ज़्यादा हो गया सर। एक्चुअली यहां पर लोकल में सौदाग्रह नहीं है और शासकीय भूमि भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से लोगों को पहले आपस में ग्रामवासी अपनी जमीनें उसके उपयोग में सहयोग दे दिया करते थे। वर्तमान में आज क्या उपस्थित हुआ कि लोगों ने आपस में सहयोग किया नहीं है, निजी भूमि में जलाने नहीं दिया है, जिसके कारण से ये स्थिति आ गई और उन्होंने मांग की कि यहाँ चक्का जाम उन्होंने किया। अभी तत्काल मौके पर उनसे हमने चर्चा की है और चर्चा के बाद उनको यह आश्वासन दिया गया है कि प्रशासन कहीं से भी जमीन की व्यवस्था करेगी और जो नगर पंचायत है वो सौदाग्रह बनाएगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांव डूंगरपुरा में पंचायत ने एक रेप पीड़िता के शुद्धिकरण के लिए भंडारा करने का तुगलकी फरमान सुनाया है। भंडारा न किए जाने पर बलात्कार पीड़िता के परिवार का हुक्का पानी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और मानव अधिकार आयोग में इस फरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के डूंगरपुरा गांव में पंचायत द्वारा एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया गया। पंचों के पास 4 माह पहले बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसमें पंचों ने पंचायत बिठाते हुए पीड़िता के शुद्धिकरण के लिए भंडारा करने का तुगलकी फरमान सुना दिया था। कारण के तौर पर बताया गया कि पीड़िता आरोपी के मुकाबले उच्च जाति की है, इसीलिए शुद्धिकरण जरूरी है। जब तक पीड़िता के परिजन समाज और गांव के लोगों को ये भंडारा नहीं दे देते तब तक उनका पूरे गांव से रिश्ता खत्म कर दिया जाएगा। पीड़िता के पिता ने बताया कि समाज के इस फैसले से परेशान होकर उन्होंने सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाई है। मानवाधिकार आयोग में भी पिता ने इस तुगलकी फरमान की जानकारी दी और शिकायत दर्ज करवाई है। कोई भी गलत काम हुआ इसके कारण वो नहीं बता रहा, नोते पनोते गांव वाले। अब मैं भी काम पे था, मुझे घर के ने बताया कि तेरी बच्ची के साथ ये हुआ, तो मैं आया तो मुझे बच्ची नहीं मिली 17 साल की, ये सियाराम जाटा ने रिपोर्ट की तो मेरी पुलिस ने नहीं सुनी, वहाँ पे झापटा ले लेके दौड़ी। फिर मैं राजगढ़ आया 8 दिन पीछे राजगढ़ आया तो यहाँ से साहब ने मुझे एक लेटर दिया लिख के थाने से, तो उसने मैंने वो ले जा करके उस पर ऊपर लिखा था, वो मैंने उसका लिखवा के ने वो उसका वो करवा लिया फोटो कापी, और उन्हें मालूम क्या लिखा था सर ने, तो जब मेरी थाने पे सुनी फिर वो कायम कर दिया, उसे पकड़ लिया, पकड़ कर वो उसने थाने में बंद किया, बंद करके ना और अभी तक वो कल परसों में वापस छूट गया। गांव वाले यही कहते हैं कि तू ये कर दे और बस ये हम भंडारा कर दे और उसमें मैं मतलब तुझे जात में मिला लेंगे, नोता अब भी नहीं बता रहा, हाँ जात से अलग कर रखा, ये गांव वाले ने किया। 4 महीने पहले डूंगरपुरा की एक बेटी के साथ में इस तरह की घटना हुई, जिसमें आरोपी पर कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार भी किया गया, उस पर मतलब जो नियमानुसार पुलिस की दांडिक कार्रवाई होती है वो हो रही है। मगर इसी बीच जो इनके पंचायत है
और समाज जन है उन लोगों ने एक बैठक बुलाई और उसमें ये निर्णय सुनाया कि चूँकि पीड़िता का बलात्कार उससे उच्च नीची जाति के कम जाति के लड़के द्वारा हुआ, इसलिए ये मतलब बलात्कार तो ठीक है हुआ ही, मगर ये एक बहुत सामाजिक रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और इसके लिए अब इसके माता पिता को कुछ खर्च करना पड़ेगा, भंडारा करना पड़ेगा, मांसाहारी खाना खिलाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इनके घर परिवार से इनके जो बेटी के माता पिता और अन्य परिवारजन हैं उनसे हम सामाजिक या कोई रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे कि जिन लोगों की ये आइडियाज थे या जिन लोगों ने इस पूरे घटना को सपोर्ट किया है उन पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने एसपी साहब से भी बात की, उन लोगों को भी बताया कि वो जाए और इसकी एफआईआर करें। डूंगरपुर गांव में 17 साल की किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी सियाराम ने 4 माह पहले दुष्कर्म किया था। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का समाज आरोपी से भी बड़ा निकला। ऐसे में पंचायत बैठी और लड़की के शुद्धिकरण के नाम पर तुगलक की फरमान सुनाते हुए पूरे गाँव को भंडारा करने के लिए कहा। इस फैसले के बाद आसपास के गाँवों के पांचों पंचों द्वारा एक लिखित में पंचनामा तैयार किया गया। इस पर पीड़िता के माता पिता को भी हस्ताक्षर करवाए गए। वहीं पीड़िता का परिवार काफी गरीब है और वह भंडारा कराने में सक्षम नहीं है, इसीलिए गांव के द्वारा परिवार का बहिष्कार कर उनको गांव से बेदखल कर दिया गया। ये एक 9 जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी नरसिंहगढ़ थाने में, जिसमें डूंगरपुर गांव की एक नाबालिग बच्ची थी, उसने रिपोर्ट की थी किसी एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार के साथ जगह अपराध किया है। इसमें एक महीने के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तारी और चालानी कार्रवाई भी कर दी थी, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अभी इसमें एक इशू संज्ञान में ये आया है कि गांव की जो पंचायत है उसने इस तरह का कुछ फैसला लिया है कि इन लोगों को कुछ भंडारा वगैरह कराना पड़ेगा। इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है और जो गांव है वहाँ पर थाना प्रभारी SDOP SDM तहसीलदार और जो महिला बाल विकास अधिकारी है इनकी एक ज्वाइंट टीम निरीक्षण के लिए जा रही है और जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपको सुनाएंगे जर्जर भोपाली भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, तूफान उफान शुरू हो गए, बता रही हूँ, अपने टीन टप्पर संभाल के रखो। हाँ, वो वायु तूफान बड़ा खतरनाक किस्म का आ रही है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हाँ, और गुजरात पे आ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरे को अभी खबर मिली है कि वो कि मोदी जी से मिलने आया था, वहाँ से टर्न मार रहा है, मतलब खतरा कुछ कम हो रहा है। हाँ, और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान से जब भी कोई चीज़ आती, मैं बता रहा हूँ, वो आफत ही आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल का गुबार उड़ रहा है और वो ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ये तो चल रहा है। और उधर देखो, बंगाल की खाड़ी में वहाँ भी ये तूफान उठा हुआ है, ममता बनर्जी नाम का। वो भाजपा कार्यकर्ताओं की ये पिटाई वगैरह चल रही है, आंसू गैस के गोले वोले छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है, उसको भी संभालना पड़ेगा। और ये खबर ये देख लो, राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए शरीर पे है ना मिट्टी वगैरह लपेट रहे लोग। और बता रहा हूँ मैं, मिट्टी है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको लपेटोगे तो उससे क्या है, हीट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। हाँ, और ये पुरानी चीज़ें हैं ये। और आजकल तो लोग, मैंने देखा कॉलोनियों में है ना, जो भी मिट्टी होती है उसको भी ये खरिंजे जड़वा रहे हैं वहाँ। और मैं बता रही हूँ, इतनी गर्मी हो जाएगी, मिट्टी रहती है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, हीट रिफ्लेक्ट हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, गर्मी कम करता है। ये तो चल रहा है बताने। और ये खबर उत्तर प्रदेश की देख लो, वो पत्रकार महोदय वो ट्रेन हादसा कवरेज करने गए, उनकी पुलिस वालों ने वहाँ पिटाई लगा दी। बताओ, ये भैया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका सम्मान करो, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है। तो ये खबर और देख लो आप, लंदन से बता रही हूँ, सुना रही हूँ। विजय माल्या और नीरव मोदी, इनकी तैयारी चल रही है इंडिया आने के लिए। इनका जो मुंबई में जो जेल है आर्थर जेल, इसमें उनके कमरे वमरे बनने, साफ सफाई शुरू हो गई है, बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, इनके दर्शन होंगे। हाँ, भैया ये खबर ये देखो, इंदौर से खबर आ रही है, वहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा था, अमेरिकन लोगों को मूर्ख बना रहे थे वहाँ बैठ के, बताओ। और मैं तो अभी, मेरे पास जो कॉल वॉल आते थे अमेरिका से, तो मैं डरता था ये मूर्ख बना रहे हैं अमेरिका वाले, इधर कॉल आ रहा है मेरे पास, कभी एक खाता बताओ, नंबर बताओ, ये बताओ। वही अब लेकर हमारे इंडिया वाले भी काम नहीं है, यहीं बैठे बैठे अमेरिका वालों को काम लगा दिए, बताओ। ये तो चल रहा है। हाँ, और ये ट्रंप हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि भैया जो किम जोंग है उन्होंने बहुत अच्छा खत लिखा है अपने फ्रेंड को। अब बता रहे हो, किम जोंग इतना खोखर आदमी, वो भी अच्छा खत लिखेगा? ये कभी आदमी के दिल में भी जगह होती है, हो सकता है अच्छी बातें लिखें कभी। हाँ, और ये खबर देखो, इंडिया से अभी 15 जुलाई को है ना चंद्रयान 2 लॉन्च हो रही है। हाँ,
चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं और चंद्रमा पे पहुंच के आ रहे हैं। मेरे पास कुछ नेताओं का फोन आ गए, वो बोले भैया जर्जर भाई ये बताओ वहाँ प्लॉट वगैरह कट रहे हैं क्या, या तो पृथ्वी पे बहुत गर्मी पड़ रही है, हम वहीं रहेंगे वहाँ पे ठंडक होगी। हाँ और ये खबर ये देखो, रतलाम रेल मंडल जो है वो चलती ट्रेनों में मसाज करवाएगा, जो यात्री थक जाते हैं भैया ट्रेन में थकान हो जाती है उनकी मसाज करवाएगा बता रहे हूँ। इस पे लेके नहीं है ना, वहाँ के जो सांसद हैं इंदौर के शंकर लालवानी जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, बोले ये तो गलत चीज़ है, ट्रेन में महिलाएं होती हैं उनके सामने ये मसाज वसाज करवाओ क्या, ये गलत चीज़ है, संविधान के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ अलग से कंपार्टमेंट वगैरह बना दो वहाँ करवाओ, उसमें क्या है। अभी अभी देखो खबरें आ रही थी ना कि ट्रेन में लू से इतने लोग मर गए, अरे तो आदमी को थकान तो होती है। हाँ और मैं भी भैया थक गया हूँ, न्यूज पढ़ते पढ़ते मैं भी मसाज करवाने जा रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।